महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आईईसी व एचआरडी की समस्त गतिविधियों का क्रियान्वयन व होने वाला व्यय का भुगतान जिला स्तर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि पंचायती राज संस्थाओं में इस तरह के आदेश क्या सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं? अगर हाँ, तो क्या पंचायती राज अधिनियम में ये प्रावधान है कि कार्यकारी एजेंसी कोई और भुगतान एजेंसी कोई अन्य हो? मैं अतः आपसे मांग करना चाहती हूँ, इस ऐसे आदेश जो प्रशासन काल में जारी किए गए, तो राजस्थान में इससे पूर्व में आईईसी मद का भुगतान किया गया, तो किस आदेश के तहत किया गया? जिला परिषदवार, पंचायत समितिवार कितना भुगतान किस संस्था द्वारा किया गया? जब भुगतान हो रहा था तो इस तरीके के आदेश का क्या औचित्य था? बजट नियंत्रण का हवाला देकर जारी उक्त आदेश के जारी होने से पूर्व किस किस जिला परिषद व किस किस पंचायत समितियों में उक्त आईईसी व एचआरडी मद के तहत कितना भुगतान किया गया है, इसकी किस गाइडलाइन के तहत किया गया है, इसे प्रस्तुत करें। तीसरा, राज्य स्तर में आईईसी गतिविधियों के तहत कोई भुगतान किया गया है या आदेश प्रसारित है तो उसकी सूचना और आईईसी मद के तहत व्यय के संबंध में जारी मार्गदर्शिका सदन के पटल पर रखें, अन्यथा इस तरह के पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित करने वाले आदेश को राज्य सरकार प्रत्याहारित करे या पंचायती राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन करें। धन्यवाद। माननीय श्री खुशबू।